हेलो स्टूडेंट, मैं शाइन लूथरा। आज हम करेंगे क्लास नाइन्थ की मैथ्स का चैप्टर सेवन, उसकी एक्सरसाइज 7.3, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीबीसी आर द टू आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस बीसी एंड वर्टिसेस ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ बीसी। इफ एडी इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बीसी एट पी, शो दैट। अब हमें इसके अंदर पहले हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं और हमें क्या शो करना है वो भी समझ लेते हैं। क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि हमारे पास दो ट्रायंगल है, एक है ए बी सी, ये हमारा पूरा ट्रायंगल है, यानी कि अगर हम इसको देखें तो पूरा ट्रायंगल। दूसरा ट्रायंगल उन्होंने बोला यहाँ से डी बी सी, ये इसका दूसरा ट्रायंगल। और उन्होंने बोला कि ये दोनों ट्रायंगल जो है ए बी सी और डी बी सी, ये दोनों ही आइसोसेलेस ट्रायंगल है। यानी कि अगर हम ए बी सी की बात करें तो इसके अंदर ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है, अगर हम डी बी सी की बात करें तो इसमें डी बी जो है वो डी सी के इक्वल है। इतना समझ में आ गया। उसके बाद हमें यहाँ पे बोला गया है एंड वर्टिसेस ए एंड डी, ये जो दो वर्टिसेस हैं अगर हम इसको आगे एक्सटेंड कर दें, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है वर्टिसेस ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड, दोनों सेम साइड पे वर्टिसेस हैं ऑफ बी सी, बी सी के ऊपर। इफ़ ए डी, अगर इसको हम एक्सटेंड कर दें इधर से लेके, इसको जब डी से आगे एक्सटेंड कर देंगे तो एक पॉइंट बन जाएगा बी सी के ऊपर पी, ठीक है, जब हमने ए डी को एक्सटेंड किया। ये तो क्वेश्चन है। अब हमें शो क्या करना है, शो करना है कि जो हमारा ट्राइंगल ए बी डी, यानी कि जो इधर वाला ट्राइंगल है, ये इस वाले ट्राइंगल की बात हो रही है, ये जो ट्राइंगल है वो इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। एक तो ये शो करना है, दूसरा हमारा जो ट्राइंगल है ए बी पी, ये पूरा ट्राइंगल, ये हाफ, पहले क्या था ये वाला, सिर्फ ये, ठीक है, यानी कि इस वाले ट्राइंगल को इस वाले ट्राइंगल के हमें कॉन्क्रेंट शो करना है। दूसरे में क्या है, ये पूरा है, ये यहाँ से जब ये हमारा आगे एक्सटेंड हो गया तो ए से लेके पी तक हो गया ना, तो ये पूरा का पूरा ट्राइंगल इस पूरे के पूरे हाफ ट्राइंगल के कॉन्क्रेंट है। एक तो ये शो करना है, थर्ड हमें ये शो करना है कि जो ए पी है ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए और एंगल डी दोनों को। ए पी क्या कर रहा है, एंगल ए जो हमारा पूरा एंगल था उसको दो हिस्सों में बांट दिया, ऐसे जो हमारा एंगल डी पे था, एंगल जो डी था उसको भी दो हिस्सों में इसने बांट दिया, क्योंकि इसका मतलब ए पी जो है ए और डी को बाइसेक्ट कर रहा है। तीसरी चीज़, थर्ड और उसके बाद फोर्थ हमें ये शो करना है कि जो ए पी है ये बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर है। चार चीज़ें जो हैं इसमें, हमें चार पॉइंट्स हमें दे रखे हैं और ये हमें चारों पॉइंट्स इसमें शो करना है। सबसे पहला हमारा है कि ए बी डी, यानी कि ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के कॉन्क्रेंट है, ये हम शो करेंगे सबसे पहले। तो फर्स्ट देखेंगे ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी के अंदर जो ए बी है वो ए सी के इक्वल है, क्योंकि हमें ये गिवन था क्वेश्चन में कि ए बी इक्वल है ए सी के, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये दोनों साइड आपस में इक्वल है। उसके बाद उन्होंने बोला था कि जो बी डी है वो भी डी सी के इक्वल है, ये भी हमें गिवन था ऊपर कि जो बी डी है ये डी सी के इक्वल है, ये भी हमें गिवन है। और जो ए डी है वो क्या है, कॉमन है, इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर ए डी कॉमन है। तो हमारे पास क्या आ गया, साइड साइड और साइड 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 के रूल से ए बी डी कॉन्क्रेंट है ए सी डी के, ठीक है, ये हमने फर्स्ट शो कर दिया। उसके बाद हमारा ट्राइंगल था ए बी पी, यानी कि ये पूरा हाफ और ये हाफ ट्राइंगल, अब हमने इन दोनों को कॉन्क्रेंट शो करना है। तो इसमें भी हमें देखो क्या बताया हुआ था कि जो ए बी है वो ए सी के इक्वल है, तो हमने ये गिवन है तो हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद दोनों ट्राइंगल के अंदर ए पी जो है वो कॉमन है, वो भी हम यहाँ पर लिख देंगे। तो जब ये साइड और ये साइड दोनों हमारी क्या है, एक दूसरे के इक्वल हैं, ए पी हमारा इसमें क्या है, कॉमन है, तो ये जो हमारा एंगल वन और एंगल टू जो हमने इसको नेम दिया है, एंगल वन और एंगल टू भी क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होगा। तो किससे होगा, बाय सी पी सी टी। बाय सी पी सी टी क्यों, क्योंकि जब ए बी डी, ये जो हमने ऊपर शो किया था ना कि ट्राइंगल ए बी डी, ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के कॉन्क्रेंट है, तो जब ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्क्रेंट है तो इनकी साइड्स भी क्या होंगी, आपस में इनके जो सॉरी एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाय सी पी सी टी, बिकॉज ट्राइंगल ए बी डी कॉन्क्रेंट है ट्राइंगल ए सी डी के, ये चीज़ हमने ऊपर प्रूफ करी थी यहाँ पर, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्क्रेंट हैं तो इनके जो ये साइड, ये जो हमारे एंगल हैं ये आपस में इक्वल हैं,
तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर एक साइड आई, फिर हमारी फिर से साइड आई और यहाँ पे हमारा ये एंगल आया। तो साइड एंगल साइड के रूल से हमारा जो ट्राइंगल ए पी बी है वो ट्राइंगल ए सी पी के इक्वल आ गया। ठीक है, ये सेकेंड हो गया। तीसरा हमें ये शो करना था कि जो ए पी है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को और एंगल डी को बाइसेक्ट कर रहा है। और यहाँ पे हम देखते हैं सिंस ट्राइंगल ए बी डी, यानी कि ये वाला जो ट्राइंगल है और ये जो ये ट्राइंगल है हमारा ये कॉन्क्रेंट है, जैसे कि हमने पीछे शो कर दिया था, जिसकी वजह से हमारा एंगल वन एंगल टू के इक्वल है बाय सी पी सी टी, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल आपस में ये जो ट्राइंगल कॉन्क्रेंट है तो इनके जो एंगल्स हैं वो भी क्या है, आपस में इक्वल हैं। तो इससे हमारा ये शो हो जाता है हैंस ए डी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, क्योंकि जब ये बाइसेक्ट कर रहा है तभी तो हमारे दो एंगल बने हैं ना। अगर ये बाइसेक्ट ही नहीं कर रहा तो हमारे दो एंगल कैसे बनते, फिर तो हमारा एक ही एंगल होता है एंगल ए। लेकिन यहाँ पे एंगल वन और एंगल टू बन गया क्योंकि ए डी ने इसको बाइसेक्ट किया और ये दोनों इक्वल हैं। इक्वल तभी होते हैं दोनों एंगल जब ये जो हमारा ये जो ए डी है जब इसने बाइसेक्ट किया। बाइसेक्ट का मतलब ये है कि किसी भी एंगल को जब आप बाइसेक्ट करोगे तो दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, और यहाँ पे हमने लिखा कि ये दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है यानी कि बाय सी पी सी टी। तो जब दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब ए डी ने ही जो है इन दोनों को इक्वल किया है बाइसेक्ट करके, तो हैंस ए डी बाइसेक्ट एंगल ए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इसका कि ए बी जो है बाइसेक्ट किया है एंगल ए को। उसके बाद हमारा है साथ में हमें ये भी शो करना था कि एंगल डी को भी बाइसेक्ट किया है। तो उसके लिए हमारा जो दूसरा ट्राइंगल है बी डी पी, यानी कि अगर हम इस छोटे वाले ट्राइंगल की बात करें और साथ में ये जो हमारा ट्राइंगल इसको देखें, इन दोनों ट्राइंगल्स को देखें, तो इसके अंदर हमारा जो है ये वाला जो बी डी साइड है ये सी डी के इक्वल है, ये गिवन है, और डी पी दोनों ट्राइंगल में कॉमन आ रहा है तो वो लिख देंगे। इसी तरीके से जो बी पी है वो बी सी के इक्वल है, क्यों इक्वल है, बाय सी पी सी टी। ठीक है, यानी कि बी पी इक्वल है पी सी के बाय सी पी सी टी। क्यों इक्वल है, जैसे कि हमने शो किया था कि ए बी पी, जब हमने पीछे ये शो किया था कि ट्राइंगल ये वाला जो है ये पूरा का पूरा ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के कॉन्क्रेंट है, तो इसकी साइड्स क्या होंगी, ये दोनों फिर इक्वल होंगी ना। क्योंकि अगर आप ये वाला एंगल देखो ए बी सी, इसमें भी हमारा बी सी बेस है, अगर आप डी बी सी देखोगे तो उसमें भी हमारा बी सी बेस है, दोनों में हमारा जो बेस है वो बी सी है। तो इसलिए जब हम बात कर रहे हैं बी डी पी की और सी डी पी की, तो इसमें भी जो हमारी ये जो साइड है क्या दे रखी है, बी पी और बी सी। तो इसलिए लिखेंगे, जब हमने ये शो किया था ना कि ए बी पी और ए सी बी आपस में कॉन्करेंट हैं, तो इनकी जो साइड्स होंगी वो भी क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी बाय सी पी सी टी। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे डी पी ने जो है वो बाइसेक्ट कर दिया एंगल डी को, ये जो डी पी है इसने बाइसेक्ट कर दिया एंगल डी को। ठीक है, इसको हमने नेम दे दिया थ्री, इसको नेम दे दिया फोर, तो ये दो हिस्सों में बट गया। हम लिखेंगे ए पी बाइसेक्ट एंगल डी। फोर्थ हमें इसमें ये शो करना था कि जो ए बी है, ए पी इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ बी सी, यानी कि पूरा का पूरा जो ए पी है ये हमारा, ये जो पूरा ए पी है ये जो है वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है बी सी को, यानी कि इन दोनों को बराबर बराबर हिस्सों में बांट रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमें ये शो करना है। तो जब हम ट्राइंगल बी डी पी की बात करते हैं और ट्राइंगल सी डी बी की बात करते हैं, तो हमारे पास दो ट्राइंगल आते हैं यहाँ पे, थ्री और फोर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो हमारा जो एंगल फाइव और सिक्स है वो भी इक्वल है, क्यों इक्वल है, बाय सी पी सी टी, क्योंकि जब ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्क्रेंट हैं तो जो इनकी ये साइड, ये जो इसके जो एंगल्स हैं वो भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, जिसको हमने नेम दे दिया एंगल फाइव और एंगल सिक्स। तो जब एंगल फाइव और एंगल सिक्स इक्वल हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल फाइव प्लस एंगल सिक्स इक्वल 180 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे कौन क्या बना रहा है, यहाँ पे हमारा ये लीनियर पेयर बना रहा है। ठीक है, तो एंगल फाइव प्लस एंगल सिक्स क्या बन रहा है, यहाँ पे लीनियर पेयर बना रहा है। तो एंगल फाइव की प्लस एंगल सिक्स, अब एंगल सिक्स की जगह हम एंगल फाइव लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल हैं, इक्वल 180 डिग्री। लीनियर पेयर कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल 5 प्लस एंगल 5 क्या हो जाएगा, 2 एंगल 5 इक्वल 180। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर के डिवाइड हो जाएगा, इसको कट करेंगे तो 90 डिग्री, यानी कि एंगल 5 भी 90 डिग्री है और एंगल 6 भी 90 डिग्री है, यानी कि दोनों एंगल्स कितने डिग्री के हैं, ये भी 90 और ये भी
19, जिससे हमारा ये प्रूफ होता है कि जो ए बी ए पी है वो इक्वल है सी पी के बाय सी पी सी टी, हैंस ए पी इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ बी सी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि ए डी इज़ द एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी इन विच ए बी इक्वल ए सी, शो डैट ए डी इज़ द बाइसेक्ट ऑफ बी सी एंड ए डी इज़ द बाइसेक्ट ऑफ एंगल ए। यानी कि यहाँ पे हमें बताना है कि जो ए सी ए डी है ये एक एल्टीट्यूड है, और एल्टीट्यूड यहाँ पे कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। यानी कि जो ए डी है वो एंगल ए को भी बाइसेक्ट कर रहा है और बी सी को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो अगर हम देखें ट्राइंगल ए बी डी, ये वाला ट्राइंगल, और ए सी डी ये वाला, यानी कि अगर हम ये दोनों ट्राइंगल्स देखें, इन दोनों ट्राइंगल के अंदर एंगल वन इक्वल है एंगल टू के, क्योंकि ये एल्टीट्यूड है, इधर भी 90 डिग्री और इधर भी 90 डिग्री, ईच एंगल ऑफ 90 डिग्री, तो दोनों एंगल इक्वल है। ए बी इक्वल है ए सी के, ये हमें गिवन था, और इसके अंदर ए डी कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक एंगल दो साइड आ गई, और जो हमारी साइड है वो कितने डिग्री की है, ये 90 डिग्री की है, और ये हमारा क्या है, हाइपोटेनियस बन रहा है। अगर हम ए डी सी देखें तो ये 90 डिग्री का एंगल है और ये हाइपोटेनियस है। अगर हम इधर भी देखें तो ये 90 डिग्री का एंगल और ये हमारा हाइपोटेनियस है। तो बाय आर एच एस रूल से हमारी जो दोनों एंगल हैं ए बी डी कॉन्करेंट है ए सी डी के, ठीक है, ए बी डी कॉन्करेंट है ए सी डी के। जब हमारे ये दोनों ट्राइंगल कॉन्करेंट हैं तो हमारा जो बी डी है वो इक्वल हो जाएगा डी सी के बाय सी पी सी टी, हैंस ए डी बाइसेक्ट बी सी। तो इसका मतलब ये कि जब बी डी डी सी के इक्वल है तो इसका मतलब ए डी जो है वो क्या कर रहा है, बी सी को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। दूसरा इन्होंने बोला था कि ए डी जो है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को भी, तो हमने एंगल ए को नेम दे दिया 3 और 4। सिंस जब ट्राइंगल ए बी डी कॉन्करेंट है ट्राइंगल बी ए सी डी के, तो एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल है बाय सी पी सी टी, इसलिए यहाँ पे ये प्रूफ होता है हैंस ए डी बाइसेक्ट एंगल ए, यानी कि ए डी जो है एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है टू साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए एम ऑफ वन ट्राइंगल ए बी सी ऑफ रिस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड्स पी क्यू एंड क्यू आर एंड मीडियन पी आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर शो डैट। अब देखो यहाँ पे हमने बताया कि जो हमारा ए बी है, ये जो ए बी साइड है ये बी सी के जो है वो क्या है, यहाँ पे टू साइड्स ए बी एंड बी सी, इनके ऊपर एक मीडियन बना हुआ है ए एम, ठीक है, ऑफ वन ट्राइंगल ए बी सी के अंदर ये हमारा ए एम एक मीडियन बना हुआ है। इसी तरीके से जो पी क्यू है और क्यू आर है इसके ऊपर मीडियन बना हुआ है पी एन, ठीक है। तो हमें शो क्या करना है कि जो ट्राइंगल ए बी एम है ये कॉन्करेंट है पी क्यू एन के, साथ में ए बी सी ये जो पूरा ट्राइंगल है ये इस पूरे ट्राइंगल के कॉन्करेंट है। पहले तो हमें ये वाला जो पार्ट है ट्राइंगल का, ये वाला पार्ट इस ट्राइंगल में पी क्यू एन के कॉन्करेंट है, फिर ये पूरा का पूरा भी बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम जब ये देखें कि इसमें जो हमारा बी सी है, ये बी सी जो है वो इक्वल है किसके, क्यू आर के, ये हमें ऊपर गिवन है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे है कि ये दोनों जो है लिखा हुआ है ए एम ऑफ वन ट्राइंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड्स पी क्यू एंड क्यू आर एंड मीडियन पी एन ट्राइंगल पी क्यू आर। यानी कि ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हमारा वन ट्राइंगल जो ये है हमारा ए बी सी है ये इक्वल है किसके, पी क्यू और क्यू आर साइड के इक्वल है, और मीडियन भी जो है वो इक्वल है, ठीक है, यहाँ पे हमें गिवन है, इसलिए बी सी जो है वो क्यू आर के इक्वल है, ये हमें गिवन है। जब हमारा बी सी इक्वल है तो बी सी का जो हाफ होगा वो भी इक्वल होगा, यानी कि जो बी एम है वो क्यू एन के इक्वल होगा, जो एम सी है वो एन आर के इक्वल होगा। यानी कि बी सी का हाफ अगर हम देखें 1/2 बी सी देखें और 1/2 क्यू आर देखें तो वो भी हमारे इक्वल होंगे, ठीक है। तो बी सी का हाफ हम लिख देंगे बी एम और क्यू आर का हाफ हम लिख देंगे क्यू एन, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। उसके बाद अगर हम ट्राइंगल ए बी एम और ट्राइंगल पी क्यू एन की बात करें तो इसके अंदर ए बी इक्वल है पी क्यू के, ये हमें गिवन है। ए एम जो मीडियन है वो पी एन मीडियन के इक्वल है, ये भी हमें गिवन है। और जो हमने फर्स्ट इक्वेशन लिखी थी बी एम इक्वल है क्यू एन के, यानी कि जो ये है वो इसके इक्वल है, तो ये भी हमने इसमें लिख दिया, क्योंकि हम सिर्फ इस ट्राइंगल की जो है अभी वो बात कर रहे हैं। तो ये जो है बी एम इक्वल है क्यू एन के फर्स्ट इक्वेशन में था।
तो अगर हम यहाँ पे देखें तो तीनों साइड 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 से अगर हम देखें तो हमारा ये शो हो जाता है कि ए बी एम कॉन्ग्रुएंट है पी क्यू एन के। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे शो हो गया। दूसरा शो करना था कि पूरा ट्राइंगल जो है इसके कॉन्ग्रुएंट है। अगर हम पूरे ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर को देखें तो ए बी इक्वल है पी क्यू के, ये हमें गिवन था। ए बी इक्वल है पी क्यू के, ये भी गिवन है। और जो बी सी इक्वल है क्यू आर के, ये भी हमें गिवन है। तो अगर ये ए बी इक्वल है पी क्यू के, बी सी इक्वल है क्यू आर के, तो एंगल बी जो है वो एंगल किसके इक्वल होगा, एंगल क्यू के बाय सी पी सी टी। ठीक है, तो ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ जाता है दो साइड और एक एंगल। तो ये साइड आ गई, ये साइड आ गई, ये हमारा एंगल। तो बाय साइड एंगल साइड के रूल से ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं, ये भी ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट शो हो जाता है।